lose ourselves in the spirit of things. We lose our sight when we put our trust in things. भाई अभी खड़ा है मौर्य आलोक कॉम्प्लेक्स, पटना का सबसे ओल्डेस्ट शॉपिंग कॉम्प्लेक्स। आज तो बहुत सारे मॉल पटना में बन चुके हैं और बहुत बन रहे हैं। बिहार और खासकर पटना, जो खासकर पटना से हैं, वो मौर्य आलोक कॉम्प्लेक्स को नहीं भूले होंगे। हेलो फ्रेंड, मैं हूँ ऋषि, आप सभी का दोस्त। एक बार फिर से आपके अपने ही चैनल ट्रैवल इंडिया विद ऋषि पे बहुत बहुत स्वागत करता है। आप सभी जानते हैं कि आपका भाई अपने इस चैनल पे कुछ खास लाने की कोशिश करता है। खास का मतलब होता है कुछ हटके, कुछ स्पेशल। तो आज भाई आपको पटना में शॉपिंग मॉल्स, पटना में कितने शॉपिंग मॉल हैं। पटना में तो वैसे देखा जाए तो पटना में बहुत सारे शॉपिंग मॉल है, लेकिन इसमें चलिए कुछ गिने चुने शॉपिंग मॉल का आज भाई आपको टूर करवाएगा। मौर्य आलोक शॉपिंग कॉम्प्लेक्स कह सकते हैं पटना का सबसे पुराना शॉपिंग कॉम्प्लेक्स। यहाँ पे लोग अपने फैमिली के साथ शॉपिंग करने भी आते हैं, रेस्टोरेंट में लंच डिनर, और मेरे साइड में देख रहे होंगे यहाँ बहुत सारे स्ट्रीट फूड्स आपको मिल जाएंगे। लोग स्ट्रीट फूड का भी इंजॉय करते हैं। तो भाई आज आपका चिकन चाउमीन टेस्ट करेगा, फिर आपको ले चलेगा, आज पटना का शॉपिंग मॉल दिखाएगा। पटना में कितने शॉपिंग मॉल हैं, जैसे PNM मॉल, पटना सेंट्रल, वन मॉल, बहुत सारा मॉल पटना में खुल चुका है, और बहुत सारे मॉल अभी अंडर कंस्ट्रक्शन में है, जैसे ग्रेविटी मॉल जो कंकड़बाग में है। तो चलिए शुरू करते हैं। भाई आपका मौर्य आलोक कॉम्प्लेक्स से निकल चुका है, इनकम टैक्स गोलंबर के पास है अभी, और चलिए यहाँ से हम लोग निकलेंगे पाटलिपुत्र, जहाँ पे बोल सकते हैं पटना का सबसे पहला मॉल जो ओपन हुआ था, PNM मॉल, और वहीं पे खुला है एक रिलायंस ट्रेंड करके भी। चलिए वहाँ का आपको नज़ारा दिखाता हूँ। आज संडे होने के कारण और गर्मी भी वैसी ही है, तो आपको रोड पे आज ट्रैफिक बहुत स्मूथ मिलने वाला है। लेफ्ट साइड में देख रहे हैं पटना का हाई कोर्ट, मेरे राइट साइड में पटना का विमेंस कॉलेज, बोरिंग रोड का छोटा सा नज़ारा है। मेरे राइट साइड में देख रहे होंगे ऑर्चिड मॉल जो बोरिंग रोड में है, और ठीक इसके सामने एन कॉलेज, ये सामने पाटलिपुत्र गोलंबर। यहाँ से हम लोग लेफ्ट लेंगे PNM मॉल के लिए जो दीघा के पास है। रिलायंस डिजिटल, हल्दीराम भुजिया वाला का रेस्टोरेंट भी है, ये मॉल नया ओपन हुआ है अभी, रिलायंस ट्रेंड करके ये मॉल है। सिर्फ राइट लेंगे PNM मॉल के लिए, लेफ्ट साइड में पटना का सबसे पहला मॉल यही बना था, PNM मॉल। शहर के कुछ लोग बिहार के बारे में, बिहार को पिछड़ा हुआ लोग समझते हैं, कहते हैं अरे ये तो झुग्गे झोपड़ी वाली शहर है, लेकिन मैं उनको दिखाना चाहता हूँ कि भाई आप देख लो यहाँ पे पटना पहले से बहुत चेंज हो चुका है, अब बहुत हाईटेक हो चुका है। और मैं चाहूँगा कि हमारे जो भी भाई ये वीडियो देख रहे हैं, जो खासकर बिहार के हैं, तो वीडियो को बहुत शेयर कीजिए। शेयर करने से ये होगा कि वो लोग भी देखेंगे, पता चलेगा हाँ भाई पटना में भी बहुत डेवलपमेंट हुआ है। भाई आपका अभी पटना वन मॉल के पास है, सामने देख रहे हैं पटना वन मॉल। धूप बहुत है इसलिए लोग कम दिख रहे हैं, नहीं तो शाम को यहाँ बहुत रश रहता है, और सभी मॉल के अंदर है। मेरे पीछे देख रहे होंगे पटना वन मॉल के पास है। यहाँ पे भी आपको हर ब्रांड का एक आउटलेट मिल जाएगा, आप शॉपिंग के लिए आपको हर ब्रांड का आउटलेट मिल जाएगा। इसी में सबसे लास्ट फ्लोर पे बारबिक नेशन है, जहाँ पे आप एक फिक्स्ड अमाउंट पे अनलिमिटेड वेज या नॉन वेज का मज़ा ले सकते हैं। मॉल का एक फंडा समझ में नहीं आता है कि बहुत जगह मॉल में मैं गया, वहाँ पर बोलते हैं कैमरा अलाउड नहीं है। मैंने कहा कैमरा तो मोबाइल में भी रहता है, अब एक से एक एंड्रॉयड ऐसा आ गया है कि जो DSLR कैमरा को भी फेल कर दे।
लेकिन ये लोग DSLR कैमरा को अलाउ नहीं करते हैं, कहते हैं मोबाइल ले जा सकते हैं, कैमरा अलाउ नहीं है। पता नहीं क्यों, अगर आपको इसका रीज़न पता हो तो प्लीज़ कमेंट करके बताइएगा। चले यहाँ देखते हैं, अगर कैमरा अलाउ करते हैं अंदर तो मैं अंदर में आपको दिखाता हूँ थोड़ा सा यहाँ का नज़ारा। कैमरा अलाउ है ना गार्ड साहब? अधिकतर मॉल में कैमरा अलाउ नहीं करते। चले मैं आपको नीचे से दिखाता हूँ ग्राउंड फ्लोर पर किस तरह का नज़ारा है यहाँ का। ये मेरे देख रहे हैं सामने वुडलैंड, अग्रवाल ऑप्टिकल्स, लिवाइज, इंडियन ट्रेन, हर ब्रांड का आउटलेट मिलेगा आपको, रेड टेप, आपको ली, ऐसा कोई ब्रांड नहीं है जो आपको पटना वन मॉल में नहीं मिले। चले मैं इसके सेकंड फ्लोर पे चल के दिखाता हूँ वहाँ पे कौन कौन सा आउटलेट है। ये पटना वन मॉल में पहला मॉल ऐसा मिला कि सिक्योरिटी ने कहा नहीं सर आप कैमरा ले जा सकते हैं। ये तो यहाँ पे इतना ही लोग का नखरे रहता है कि भैया कैमरा ले जाना अलाउ नहीं है, जबकि DSLR से भी अच्छे अच्छे एंड्रॉयड जो आ गए हैं जो DSLR के कैमरों को भी फेल कर दे। आपको लेडीज़ गारमेंट्स का आरजू क्रिएशंस, आपको एक से एक कलेक्शन मिल जाएगा यहाँ पे। मैक्स लाइक अ सुपर हीरो, ये मेरे सामने देख रहे हरी निवास, देखिए इस तरह के स्ट्रीट फूड्स आपको यहाँ पे हर दिन आपको मिल जाएंगे। देखिए छोला भटूरा हो, यहाँ का लिट्टी चोखा। वन मॉल के ठीक पीछे मॉरियोलो कॉम्प्लेक्स पास आते हैं तो नूतन प्लाजा, इसमें आपको देख रहे हैं 9 to 9 सुपर मार्केट, सलून, स्पा, यहाँ भी आपको हर ब्रांड का आउटलेट आपको मिल जाएगा। सभी शॉपिंग मॉल्स जो पटना में फेमस हैं उसको आप एक वीडियो में कवर नहीं कर सकते, मैं कोशिश करूँगा ज़्यादा से ज़्यादा आपको मॉल्स, शॉपिंग मॉल दिखाऊँ। तो चलिए अब यहाँ से निकलते हैं, चलते हैं सेंट्रल मॉल। के राइट साइड में है सेंट्रल मॉल, और एक्चुअली क्या है वहाँ पे बाहर आप पार्क भी नहीं कर सकते, पार्किंग के लिए फिर अंदर जाना होगा, तो इसलिए मैं आपको बाहर से दिखा देता हूँ। ये देखिए मेरे राइट साइड में आप देख रहे होंगे सेंट्रल मॉल, तो यहाँ भी बहुत लोग आते हैं अपने फैमिली के साथ। और ठीक बगल में एक और मॉल है, इसका मैं नाम नहीं बता पाऊँगा क्या नाम है इसका, ये भी बहुत फेमस मॉल है, इसमें भी आपको हर ब्रांड के आउटलेट मिल जाएंगे। और ये मेरे देख रहे हैं लेफ्ट साइड में बिस्कुमान भवन, ये गांधी मैदान के पास है, और यहाँ से हम लोग राइट टर्न ले रहे हैं। एग्जिबिशन रोड में है, कुछ भाई लोग पूछ रहे थे भैया कार एसेसरीज जहाँ चिपेस्ट मिले, तो एग्जिबिशन रोड में आप आइए, आपको हर तरह की कार एसेसरीज बहुत सस्ते दामों पे मिल जाएगी। और ये एग्जिबिशन रोड के बीचों बीच ये जो फ्लाईओवर बना है भाई अभी वहाँ पे है, और यहाँ से चलिए मैं आपको नीचे बिग बाजार और पेंटलून मॉल मैं आपको इस फ्लाईओवर से दिखाता हूँ। मेरे आप सामने देख रहे हैं बिग बाज़ार, ये भी एक फेवरेट स्पॉट बन चुका है पटना वासियों के लिए शॉपिंग के लिए। और आप नीचे देख रहे होंगे ये एग्जिबिशन रोड है, मैं अब आपको यहीं से पेंटलून दिखाता हूँ। ये मेरे सामने देख रहे हैं पेंटलून, मेरे आप सामने देख रहे हैं चुन्नीलाल के बगल में कंकरबाग मेन रोड पे ये भी मॉल बन रहा है, और ये भी अंडर कंस्ट्रक्शन में है, और मुझे लगता है जिस दिन बन के तैयार हो गए बहुत दिखेगा।
यूएस पोलो, ली लिवाइस, हर तरह के आपको ब्रांड आपको इधर मिल जाएंगे कंकड़बाग मेन रोड पे। और होप ये ब्लॉग आपने एंजॉय किया होगा, अच्छा लगा तो लाइक कीजिएगा और शेयर कीजिएगा और उन लोगों तक वीडियो पहुंचाइए जो पटना को कहते हैं कि पटना पिछड़ा हुआ है, बिहार पिछड़ा हुआ है, उन लोगों को दिखे कि हाँ पटना में क्या क्या डेवलपमेंट हुआ है। आज के लिए इतना ही, बाय एंड टेक केयर।